वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज थोड़ा लेट हो गए, उठने में 3 बज गया आज, और बस यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं, फटाफट से चाय बनाएंगे और काम शुरू करेंगे अपना आज के दिन का। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 4, थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, तो फ्रेश व्रेश होने में भी उतना ही टाइम लगा। अब तुम्हारे भाई ने गीजर ऑन कर दिया है, गीजर भी नहीं बोलते उसको, गीजर बोलते हैं, और शक्ल पे और बालों पे ध्यान मत देना थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी धोए नहीं है। तो गीजर ऑन कर दिया है, गीजर ऑन करके मुँह हाथ धो लेंगे, नहाना वाना अपने से चलता नहीं, सर्दियों में 4-5 दिन नहीं नहाते फिर, लेकिन अब तो गर्मी आनी शुरू हो गई है तो डेली नहाना पड़ेगा। और आज हमारा कॉन्टेंट सो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, तो कम कॉन्टेंट मिलेगा थोड़ा उसकी साइड से, पर कोशिश करेंगे कुछ तो डालना ही है, तो करेंगे बकवास कुछ तो। गाइज टुडे इज द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग, कल ज़्यादा कॉन्टेंट जो है हम एक्यूमुलेट नहीं कर पाए प्रियांशु से, इस वजह से हम आज कंटिन्यू करेंगे दोबारा से और कल पोस्ट करेंगे ब्लॉग को, अगर अच्छा खासा कंटेंट एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे पास। तो आज हम सुनाने वाले आपको स्टोरी अपने शेरू की, शेरू ये बैठा है इधर। तो गाइस सेक्टर 61 में हमारा जिम है और ये हमारे साथ पीछे पीछे तक सेक्टर 61 चले जाता है। अब सीन क्या होता है कि ये वहाँ पर जो बिचेज हैं उनके पीछे पड़ जाता है, और फिर उनके जो मसीहा होते हैं वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, और ये हमारे पीछे छुप जाता है, ये हमारे पीछे छुपता है कि हम इसको बचाएंगे, और हमारी फट जाती है कि वो होते हैं भाई 7-8 कुत्ते उस मोहल्ले के, कुत्ते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये ओनर है इसको पकड़ो पहले। तो ये 2 दिन से हमको ऐसे फंसा रहा है, तो आज मैंने क्या किया, आज हम गाड़ी लेके चले गए जिम। वैसे तो जिम 1 ही किलोमीटर है, हम प्रेफर करते हैं पैदल जाना, पर आज हमको गाड़ी लेके जाना पड़ा इसकी वजह से। ये घर के अंदर ही रहने लगा, पहले बाहर बैठता था, अब इसको अंदर का हमने अथॉरिटी दे दी है कि भाई अब तू अंदर आके बैठा कर, ताकि तेरे को भी सहूलियत रहे, हमको भी सहूलियत रहे। तो प्यारा भी बहुत है ये, ऐसे हाथों हाथ फेर देते हैं, कुछ कहता नहीं है। आज काफी समय बाद गई सैंडविच बनाए ब्रेकफास्ट में, काइंड ऑफ, नहीं तो दाल रोटी खाता हूँ उठ के, लेकिन आज मम्मी ने बना दिया है सैंडविच, और मम्मी भी सॉस भी रख के गई हैं, तो सैंडविच खाएंगे आज। गाइज इट्स 6 PM राइट नाउ, और आज चेस्ट कर ली थी, और आने के बाद मैं बिल्कुल सो गया, 4:30 बजे उठाऊँ आज, बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं उठने में। तो अभी जब से जिम शुरू कर दिया तब से स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है, कास्टिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा कसम से, मतलब 5-6 बजे वाली कास्टिंग तो छोड़ ही रहा हूँ 2 दिन से मैं, सिर्फ स्केड्यूल की वजह से। लेकिन हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि भाई 3 और 4 बजे भी तेरे को कास्ट करना है, तो मतलब 3 से लेके मेरे को 10 तक कास्ट करना पड़ेगा उसके बाद। कॉन्टेंट दे दे कुछ, घर में अकेला मैं बचरा के कंटेंट देने वाला। कहाँ जा रहा है कपड़े पहन के? मैं जा रहा घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। कहाँ पे? अब देखते हैं, पता नहीं दिल्ली जाएंगे या कहाँ रेस्टोरेंट में किसी अच्छे से। गाइस दिस इज द 3rd डे ऑफ द व्लॉग, एक्चुअली मैंने कल एडिट किया था, 4 ही मिनट का व्लॉग बन रहा था, तो आज पुट डाउन नहीं हो पाया, पर आज हमारा कॉन्टेंट जा रहा है घूमने के लिए यार। तो मैंने कहा जाने से पहले कुछ देता जाओ भाई, व्लॉग नहीं बन पा रहा 3 दिन मैं से। देता रहूं बस, मैं रोज आज पैसे मांग रहा, तू दे दे थोड़े से, मैं घूमने जा रहा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, दे दे, मजाक सट के कह रहा मैं, दे दे, तू व्लॉग के लिए नहीं कह रहा। अच्छा हाँ सीरियसली? हाँ कितने? 700 रुपए, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ। हाँ तो पापा, मैं पापा के अकाउंट से ट्रांसफर कर दूंगा तेरे, उस अकाउंट से ना करी। अभी उससे जिम की फीस भी देनी, क्योंकि मैं राशन लेने गया था घर के लिए, तो जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करके गया, तो वहाँ पे नॉर्मली गाड़ी खड़ी कर, तो मैं आया और जल्दी से मैं कट्टा लेकर आया, कट्टे में सारा सामान भर के, और कट्टा भारी सा था बहुत, मैंने देखा कट्टा, एक तो डर, मैंने देखा मैंने गाड़ी नहीं दिख रही, फिर मैं और आगे गया, मैंने कहा प्रॉपरली देखा, मुझे गाड़ी दिखी ही नहीं, मेरी फट गई बहुत बुरी तरह, मैंने कहा यो क्या हो गया, शट 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 शट, मेरे भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने पापा को फोन मिलाया, मैंने कहा मैंने तो गाड़ी बिल्कुल यहीं खड़ी कर दी, मैंने बंद कर देने से पहले लॉक भी चेक करा था बंद करने के बाद, तो पापा कह रहे अच्छा वहाँ पूछ किसी से यो, और मैं कहा जी पूछ रहा, मैं हड़बड़ा गया, मैं कह रहा यार गाड़ी कहाँ गई, चब भी मेरे पे ही है, और एकदम से वहाँ पीछे 2-4 मिस्त्री काम कर रहे थे, वो ले गई है कमेटी, ले गई है उठा के, मैंने कहा यार मैंने तो पहली बार फेस करा आज, कमेटी उठा के ले गई है करके, तो मैंने जल्दी से पापा को फोन करा, वे कह रहे कमेटी उठा के ले गई है, पापा कह रहे चल ठीक है आ जा, मैं कर देख रहा अभी, मैं वहाँ कट्टा लेके खड़ा रोड, चल अब मैं जाना ही मेरा। तो कहाँ थी गाड़ी? गाड़ी कमेटी वाले ले गए थे जंकयार्ड में, डाल दी थी, फिर पापा गए, जाकर फोन करवाया तो दे दी,
पैसे नहीं दिए मतलब फोन करने के करवाने के बाद। हेलो ऑल राइट गाइज, इट्स 3:30 एट नाइट राइट नाउ, मतलब 3:30 बज रहे हैं रात के, और हमारी चाय यहाँ पे तैयार हो रही है, चाय बन रही है। उसके अलावा एक बहुत खतरनाक मूवी अभी मैं देख रहा हूँ, गोपीचंद चाणक्य, साउथ की मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो रिकमेंडेड है, बहुत खतरनाक मूवी, आप देख सकते हैं अगर टाइम पास करना है आपको थोड़ा बहुत। और 3 दिन से ये व्लॉग चल रहा है और मैं मतलब इतना लंबा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, वही जो मैंने पहले बताया था, कास्टिंग एंड जॉब एंड ऑल, तो उस वजह से प्रॉपर, एक सेकेंड रोज में दूध डाल देता हूँ। क्योंकि मैंने रीडिंग शुरू की थी तो आई एम गोइंग टू रीड अ चैप्टर एवरी डे एंड एक्सप्लेन इट एट द स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को हम इतना ही रखेंगे, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं व्लॉग को देखते देखते, 5 मिनट 6 मिनट आपने वेस्ट किए हैं तो लाइक ज़रूर दबा देना। उसके अलावा इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और अच्छा कॉन्टेंट हम पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे आगे भी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पीस।